जल्दी लेके जाओ ये दिन देखने के लिए मैडम लेके आए थे देश के लिए रोना नहीं यही दिन देखने के लिए लेके आए थे मैं पूछ रही हूँ सबसे पूछ रही हूँ सम्मान है अगर मेडल का तो उस मेडल का हम क्या करेंगे इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे जो अवार्ड भी है जो मेडल भी हमने जीते हैं वो सब भी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे उन्होंने भाई क्या हम आपके साथ में हम आपका भला चाहते हैं आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम अगर आप चाहते हो तो नमस्कार एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। वजह है बृजभूषण चरण सिंह की गिरफ्तारी। जी हां बृजभूषण चरण सिंह की गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं हुई है लेकिन विनेश फोगाट की बहन गीता फोगाट और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया दिल्ली पुलिस ने। जी हाँ अब ये मामला और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से रात को कल तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिस तरीके से महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से वो कहीं ना कहीं कई सवाल या निशान खड़े कर रहा है दिल्ली की पुलिस प्रशासन पे। जी हाँ और अब केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है और पीएम मोदी से सीधे तौर पर अपील की जा रही है कि आखिरकार इन सभी मुद्दों पर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। हम बात कर रहे हैं गीता फोगाट उनके पति पवन कुमार की गिरफ्तारी के बारे में। जी हाँ दिल्ली पुलिस ने दिन दहाड़े उनको गिरफ्तार कर लिया और वजह तक नहीं बताई। वजह केवल ये कि जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका दिल्ली पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं शांति भंग करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है लेकिन असली वजह जो है वो यही है कि जो महिला पहलवान है गीता फोगाट और उनके पति वो लगातार जो है बृजभूषण चरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और अपने धरना प्रदर्शन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं एक्शन ले रही है गीता फोगाट और उनके पति के खिलाफ। ऐसे में पूरे महिला पहलवान जो धरना प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस पर कि उनके साथ बदसलूकी की जा रही है और गीता फोगाट और उनके पति को आखिरकार गिरफ्तार करने की वजह क्या है ये भी बता नहीं पा रही है दिल्ली पुलिस। तो इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है फिलहाल हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसके जरिए आप तय कर पाएंगे कि गीता फोगाट की जब गिरफ्तारी हो रही थी तो किस तरीके से उन्होंने अपना दर्द पाया। वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चलो भाई बैठो इनको। नहीं जबरदस्ती आप क्या क्या रीजन है गाड़ी में ठीक है करेला बॉर्डर पे मैं यहाँ खड़ी हूँ दिल्ली पुलिस मुझे बोल रही की जबरदस्ती उनको वो मुझे लेके जाएगी पता नहीं क्यों जाओ उनकी मर्जी वाले की जाएगी नरेला बॉर्डर पे मैं यहाँ खड़ी हूँ दिल्ली पुलिस मुझे बोल रही की जबरदस्ती उनको वो मुझे लेके जाएगी पता नहीं क्यों जाओ उनकी मर्जी वाले की जाएगी वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चलो भाई बैठो इनको। नहीं जबरदस्ती आप क्या क्या रीजन है गाड़ी में ठीक है नहीं रीजन तो बताइए जबरदस्ती क्यों लेके जा रहे हैं डिटेन किस लिए मैंने आपको बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए नहीं रीजन क्या है रीजन तो बताइए आप मैडम वही मैडम आ जाएंगी डीसीपी मैडम आप एक ही बार फाइनल बात कर लो जो भी नहीं रीजन तो बताइए आप किस लिए आप हमें लेके जा रहे हैं मैडम हाँ तो आप बुला लीजिए आप जबरदस्ती कर रहे हैं आप आपसे हमने कहा कि आप नहीं नहीं क्या कोऑपरेट कर रहे हैं आप नहीं आप लेके कहाँ जाएंगे आप बता ही नहीं रहे ये देखिए पवन जी को देखिए मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं कि वो सर लोगों की भीड़ है मतलब ये नहीं आप मुझे बस 5 मिनट के लिए मिलवाते हैं रीजन भी तो कुछ होगा इतने सारे लोग जा रहे हैं आप मुझे रोक नहीं बता दिया आपको मेरा आप रीजन तो देखिए
तो सुना आपने, गीता फोगाट ने खुद बताया कि गीता फोगाट और उनके पति को किस तरीके से गिरफ्तार करने में दिल्ली पुलिस जद्दोजहद कर रही है और किस तरीके से उनके साथ बहसबाजी की गई और उनको गिरफ्तारी करने की वजह तक नहीं बताई गई। यानी कि गीता फोगाट सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आई और जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है इसके जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है कि किस तरीके से महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी की एक जो सीमा है वो पार करते हुए दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। आखिरकार गीता फोगाट और जो उनके पति है उसकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके पीछे की वजह क्या है, दिल्ली पुलिस को इसका जवाब दे देना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। बजरंग पुनिया लगातार मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अमित शाह है उनको उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और ये भी कहा था कि बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और दिल्ली पुलिस ने जो भी हंगामा किया, जो अधिकारी वहां पर रात को मौजूद थे, जिन्होंने महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी की, उनके साथ कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। तो लगातार जो है बजरंग पुनिया भी ये जो है मांग करते हुए अमित शाह से नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये पूरा मामला अब सियासी रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या वाकई बृजभूषण चरण सिंह की गिरफ्तारी हो पाएगी या फिर सियासत एक नया मोड़ लेती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।